भोपाल की ओर रुख करेंगे। मंत्रियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि सोमवार को मंत्री अपने विभाग की बैठक करें। सीएम की मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक अभी भी जारी है। सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष वहां मौजूद है। सीएम ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में देरी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिलने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। बेटियों के साथ अपराध में सख्त एक्शन होना चाहिए। किसी भी घटना में गृह मंत्री और डीजीपी को तुरंत बताया जाए। अवैध उत्खनन में खनिज वन राजस्व पुलिस समन्वय से काम किया जाए। आवश्यक खर्चे कम किए जाएं। केंद्र सरकार के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें करें। तो मंत्रियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए हैं। सोमवार को मंत्री अपने विभाग की बैठकें करें। आपको बता दें, सीएम की मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक अभी भी जारी है। सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष वहां मौजूद हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के विभागीय अधिकारियों के साथ वो बैठक करें, प्रशासनिक आधार पारदर्शिता के साथ समय सीमा में ट्रांसफर करें। तो तमाम मुद्दों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम की मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक अभी भी जारी है। सीएम ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में देरी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिलने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे, यह कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पर बने हुए हैं। शरद जी, सुबह से ही कैबिनेट बैठक चर्चा में बनी हुई थी और अब सीएम शिवराज ने कई मुद्दों को लेकर अपने मंत्रियों को तमाम निर्देश दिए हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसमें है अवंतिका, वो ये है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर मुख्यमंत्री का बहुत ही सख्त रुख सामने आया है। बिल्कुल, जो बहुत स्वाभाविक भी है क्योंकि जिस तरह से हमने नेमावर की घटना को देखा है, खुद मुख्यमंत्री उस घटना को लेकर काफी क्षुब्ध हुए और जिस तरह का वो निर्मम और बर्बर हत्याकांड है उसको लेकर उनके सख्त निर्देश रहे हैं कि उस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और बीते कुछ दिनों में जिस तरह से नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कृत्य की घटनाएं सामने आई हैं और कुछ जगह बर्बरता और निर्ममता की घटनाएं भी सामने आई हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का बैठक में काफी सख्त रुख रहा है। उन्होंने जो तमाम आईजी, एसपी और कलेक्टर्स मीटिंग में जुड़े थे उनके साथ, उन्होंने साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कहा कि इन तमाम घटनाओं की रोकथाम और कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद करने के लिए एक टीम की तरह आप सभी को काम करना है और इन जितना हमको इसको कम से कम न्यूनतम स्थिति में ऐसे आपराधिक मामलों को लाने के लिए पूरी कोई कसर किसी को नहीं छोड़नी है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई भी घटनाक्रम हो तो उसकी जानकारी तत्काल उच्च स्तर पर अधिकारियों के सामने उन तक लाई जाए उसकी जानकारी, और डीजीपी और गृह मंत्री तक अवगत होने चाहिए जिससे जो भी उच्च स्तर पर एक्शन लिया जा सकता हो वो लिया जाए। तो चाहे अभी हमने देखी हो धार की घटना हो या फिर झाबुआ की घटना हो या महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर पीटने की घटना हो, इन तमाम घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री का रवैया काफी सख्त था बैठक में। वो इससे अप्रसन्न थे, नाराज थे, क्षुब्ध थे। उन्होंने कहा मुझे जीरो टॉलरेंस चाहिए इस मामले में, कोई भी कितनी भी हाई हैंडेड हो, कितना भी उच्च स्तरीय कोई व्यक्ति हो, आरोपी हो, अपराधी हो, वो बिहाइंड द बार होना चाहिए, शिक्षकों के भीतर होना चाहिए। आप पूरी निष्पक्षता से और बिना किसी इन्फ्लुएंस में आए आप अपने को बिल्कुल इम्पार्शियल कार्रवाई के लिए तैयार रखिए। तो काफी कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री का रवैया काफी सख्त रहा पूरी बैठक। बिल्कुल शरद जी, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर इस दौरान देखने को मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका पूरी बातचीत को हम तक पहुँचाने के लिए। तो मंत्रियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था को सुधारने के निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। योजना के क्रियान्वयन में देरी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम शिवराज ने साफ किया है कि पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिलने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सीएम शिवराज सिंह के सख्त तेवर दिखाई दिए। मंत्रियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोमवार को मंत्री अपने विभाग की बैठकें करें और योजना के क्रियान्वयन में देरी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा।
अवैध उत्खनन में खनिज वन राजस्व पुलिस समन्वय से काम किया जाए, आवश्यक खर्चे कम किए जाएं, केंद्र सरकार की विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें करें। सीएम शिवराज ने अपने मंत्रियों को ये निर्देश दिए हैं। और बेटियों के साथ अपराध में सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत दिन से आया नहीं। चलिए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर दिखाई दिए, जहां मंत्रियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के दौरान कई निर्देश दिए हैं। अवैध उत्खनन में खनिज वन राजस्व पुलिस समन्वय से काम करे, आवश्यक खर्चे कम किए जाएं और प्रशासनिक आधार पारदर्शिता के साथ समय सीमा में ट्रांसफर करें। ऐसे तमाम मुद्दों पर सीएम शिवराज ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं।